हेलो एवरीवन, सो आज मैं लेकर के आ गई हूँ इस ड्रामे का फुल वर्जन। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख रखा है तो आप उसे स्किप करके आगे देख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस ड्रामे को नहीं देखा है तो आप इसे फुल वॉच कर सकते हैं। पर ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार ड्रामास को आप मिस ना कर दें। सो बिना देरी किए हम चलते हैं इस ड्रामे की तरफ। ड्रामे की शुरुआत में हम नीजिन को देखते हैं जो कि काफ़ी रूड पोजिशन में खड़ा होकर के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम शिन है, जिसे देख करके नीजिन कहता है कि पूरी तरीके से अनड्रेस हो जाओ। शिन अपने कपड़े उतारने लगती है और शिन को देख करके लग रहा होता है कि वो ये सब नहीं करना चाहती, उसके साथ में जबरदस्ती हो रही है। शिन अनड्रेस हो जाती है, जिसके बाद में नीजिन उससे कहता है कि अब मुझे अनड्रेस करो। अनड्रेस होने के बाद में नीजिन शिन के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेता है, और अगली सुबह नीजिन शिन को एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि इसमें लिखी हुई एग्रीमेंट तुम्हें याद है ना, तुम मेरे बिना परमिशन के इस रूम से बाहर नहीं निकल सकती। इतना कह करके नीजिन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में शिन के पास उसकी बॉयफ्रेंड लुमिंग की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और कहां पर हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर पर जानलेवा हमला हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शिन कहती है कि तुम भूल जाओ मुझे और समझो हमारा ब्रेकअप हो गया। इतना कह करके वो फोन काट देती है और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख करके रोने लगती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम शिन और उसके फादर को देखते हैं। शिन के फादर को गुंडे इसलिए मार रहे होते हैं क्योंकि शिन के फादर ने उनसे 10 मिलियंस लिए थे जिसे वो लौटा नहीं पा रहे थे, और पैसों के बदले वो गुंडे शिन को अपने साथ में ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर नीजिन पहुँच जाता है और उनको 10 मिलियंस का चेक देते हुए कहता है कि अब यहाँ से निकल जाओ। गुंडे अपना पैसा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीजिन शिन से पूछता है कि अब तुम मेरे 10 मिलियंस पैसे कैसे चुकाओगी। दरअसल में एक तरीके से नीजिन ने शिन को 10 मिलियन में खरीद लिया था, और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। शिन अपने बॉयफ्रेंड की फोटो सीने से लगा करके काफी ज्यादा रो रही होती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ब्रेकअप की बात सुनकर के लुमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रिंक करते हुए कहता है कि शिन की इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे ब्रेकअप करने की, एक दिन मैं उसे घुटनों पर ला करके उससे भीख मंगवाऊंगा। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि हो ना हो ये काम नीजिन का भी हो सकता है। लुमिंग अपने आदमी से कहता है कि पता करो कि शिन के फादर किस हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ देर बाद शिन के पास हॉस्पिटल से फोन आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ये सुनकर के तो शिन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है, मगर उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक रहता है। तो वो गार्ड से कहती है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। गार्ड कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ मैडम, पर बॉस ने कहा है कि आपको बाहर नहीं जाना है। अब शिन के पास में तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो खिड़की से कूद जाती है जहाँ उसे एक मेड देख लेती है और कहती है कि मिस शिन आप ये सब क्या कर रही हैं। शिन उससे भी कहती है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। शिन मेड के सामने हाथ जोड़ करके मदद मांगने लगती है तो ये देख करके मेड भी पिघल जाती है और कहती है कि यहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि गेट पे और भी गार्ड्स मौजूद है, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल देती हूँ। मेड उसे घर से बाहर निकलने में मदद करती है। उधर लुमिंग शिन के फादर को निपटाने का प्लान तैयार कर लेता है। शिन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि डॉक्टर्स उसके फादर को इमरजेंसी वार्ड में लेकर के जा रहे थे और वो अपने फादर से मिल भी नहीं पाती और वहीं पर बैठ करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ नीजिन जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि शिन गायब हो चुकी है। ये देख करके तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो अपने गार्ड को बुला करके उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। गार्ड उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही थी मगर मैंने गेट नहीं खोला था। तभी नीजिन की नज़र खिड़की पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि वो यहीं से भागी है, और वो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी पता करके मुझे बताओ कि वो कौन से हॉस्पिटल गई है। गार्ड के जाने के बाद में नीजिन अपने पॉकेट से गुड़िया निकालता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ से जाने की, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझे छोड़ करके भाग जाओगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। उधर शिन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर अपने फादर का मेडिकल बिल पे करने के लिए जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर के मेडिकल अकाउंट में ऑलरेडी 5 लाख रुपए एडवांस में जमा करवा दिए गए हैं, इसीलिए उसे कोई भी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। वो सोचने लगती है कि इतने पैसे आखिर किसने जमा करवा दिए कि तभी वहाँ पर लुमिंग दौड़ते हुए आता है और वो उसे पूछता है कि अचानक से तुमने मुझसे ब्रेकअप के लिए आखिर क्यों कह दिया, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है। शिन का जवाब अब भी वही था और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लुमिंग पूछता है कि ऐसा क्यों, आखिर कोई तो कारण होगा। शिन कहती है कि मैं किसी और से प्यार करने लग गई हूँ, तो लुमिंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते
कहते हैं जिससे उसके फादर ने लोन लिया था और वो उसे कहते हैं कि मेरा पूरा पैसा कब तक लौटाओगी। शिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि कैसे पैसे, निजे ने तो तुम्हारे पैसे दे दिए थे ना। गुंडे कहते कि मिस शिन, निजे ने मेरे प्रिंसिपल पैसा ही लौटाया था जिसका इंटरेस्ट अभी भी बकाया है और टोटल इंटरेस्ट हमारा 50 मिलियन है और हम अपने इंटरेस्ट लेने के लिए आए हैं। ये सब सुनकर के शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हो। गुंडे कहते हैं कि बकवास बंद करो वरना हम तुम्हारा गला काट देंगे। लुमिंग कहता है कि क्या जबरदस्ती है, मैं पुलिस को बुला करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इतना कह करके लुमिंग गुंडों को इशारा कर देता है शिन को चाकू मारने के लिए। गुंडे शिन पर हमला करते हैं और लुमिंग शिन को बचाने के लिए वो चाकू अपने पेट में ले लेता है। दरअसल में ये गुंडे लुमिंग के ही थे और लुमिंग ने शिन को इम्प्रेस करने के लिए खुद को चाकू मरवा लेता है। लुमिंग को चाकू लगने के बाद में गुंडे वहां से भाग जाते हैं और चाकू लगने के बाद में लुमिंग पेट पकड़ करके वहीं पर बैठ जाता है और शिन को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। उधर निजिन को पता चल जाता है कि शिन को घर से भागने में उसकी किसने मदद की थी और अभी शिन लुमिंग के साथ में हॉस्पिटल में है। लुमिंग को तो देख करके निजिन बौखला जाता है और तुरंत से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लुमिंग को एडमिट करने के बाद में वो उसके पास बैठ जाती है और सोचने लगती है कि इसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और ये सारी प्रॉब्लम निजिन की वजह से हुआ है, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। तब तक निजिन वहां पर आ जाता है और पूछता है कि किसे नहीं छोड़ोगी और किसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करोगी। शिन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अफसोस मिस्टर निजिन, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम मेरे फादर को गलत लोन के चक्कर में फंसा करके मुझसे सिंपथी पाने के लिए 10 मिलियन चुका दिए ताकि मैं इम्प्रेस हो जाऊं और आज तुम्हारी वजह से मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारी वजह से लुमिंग का ये हाल है। निजिन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, आखिर मैं ये सब क्यों करूंगा। शिन कहती है कि तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए 10 मिलियन चुकाया जिसके बाद में तुमने मुझे फोर्स किया मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए। ये सब सुन करके निजिन का पारा हाई हो जाता है और वो शिन का गला पकड़ लेता है कि तभी शिन का शोल्डर ओपन हो जाता है जिसे निजिन काफी ध्यान से देखने लग जाता है। तो शिन कहती है कि तुम्हें तो मेरा जिस्म ही चाहिए ना, तुम तो इसी के भूखे हो, तो जो भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। निजिन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। शिन कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो पर तुम मेरे फादर और लुमिंग को छोड़ दो। इतना कह करके शिन उसे किस कर लेती है जिसके बाद निजिन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे लेकर के पर्दे के पीछे चला जाता है जहां वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तब तक लुमिंग की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। लुमिंग वो पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा होता है कि तब तक निजिन बाहर निकल आता है जिसे देख करके लुमिंग कहता है कि ब्रदर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रदर सुनकर के तो शिन काफी हैरान हो जाती है और लुमिंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों भाई हो। लुमिंग शिन से पूछता है कि इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। शिन लुमिंग के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत चोटें आई हैं इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। लुमिंग कहता है कि ये घाव तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इनकी बातें सुनकर के तो निजिन के जलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो लुमिंग को धक्का देकर के शिन को अपनी तरफ खींच लेता है। लुमिंग कहता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम भी इसे लाइक करने लग गए हो। दोनों आपस में काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं तो शिन लुमिंग की साइड लेते हुए निजिन से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि लुमिंग कितना इंजर्ड है। ये सुन करके तो निजिन शिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत चिंता हो रही है कि तभी निजिन के आदमी आते हैं और उसे कुछ फोटोग्राफ्स देते हैं जिसे वो शिन को दिखाता है जिसमें लुमिंग की करतूतें होती हैं कि उसने उसके फादर को इस कंडीशन में पहुंचाया, साथ ही गुंडों को भी पैसा खिलाया उल्टी सीधी बातें बताने के लिए। ये सब देख करके शिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है और वो कहती है कि इस फोटो में लुमिंग नहीं हो सकता है। तब तक लुमिंग सफाई देते हुए कहता है कि सच में मैं उस फोटो में नहीं हूँ, निजिन मुझे फंसा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। निजिन काफी गुस्से से लुमिंग से कहता है कि मेरी वुमन से दूर रह करके बात करो। लुमिंग कहता है कि किसको अपनी वुमन कह रहे हो, हम दोनों 10 साल से एक दूसरे के साथ में हैं, ये कब से तुम्हारी वुमन हो गई। निजिन कहता है कि पहले तो तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन माँ ने मेरी माँ को मार करके मेरे फादर से शादी कर ली, अब उस कॉन्क्यूबाइन का बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है। निजिन अपने आदमियों से कह करके लुमिंग को हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा देता है जिसके बाद शिन निजिन से कहती है कि तुमने मेरे फादर का कर्ज उतार करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत थैंक्स करती हूँ, मगर अब से मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगी, बदले में तुमने जो भी एग्रीमेंट बनवाया उसे फाड़ करके फेंक दो। निजिन कहता है कि तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा ऑनर हूँ, अगर ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं तुम्हारे फादर का भी एग्रीमेंट चेक करूंगा और अब से मैं तुम्हें टीच करूंगा कि तुम्हें मेरे साथ में कैसे रहना है। इतना कह करके वो उसे अपने सीधे घर लेकर के चला जाता है और उसे ले जाकर के बेड पर पटक देता है।
वो उससे कहता है कि अब से अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी ज़ुबान पर मेरे सिवा किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। रात को निजेन उसे अपनी फैमिली डिनर पर लेकर के जाता है तो शिन कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि आपके फादर आपको मेरे साथ देख करके भड़क न जाए क्योंकि मैं आपके स्टेटस की नहीं हूँ। निजेन कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो और तुम मुझसे बिलोंग करती हो, इसीलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर शिन को देख करके काफ़ी ज़्यादा फायर हो जाते हैं, ये कहते हुए कि न जाने किस गली की गंदी खून को अपने घर में उठा लाया है। निजेन की स्टेप मदर उसके फादर को कूल करते हुए कहती है कि इसमें इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो निजेन से कहती है कि बेटा हमें ये बात पता होना चाहिए ना कि तुम इसे कहाँ से लेकर के आए हो, इसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, हम ऐसे ही किसी रोड छाप को तो अपनी फैमिली की बहू नहीं बना सकते, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। निजेन उसकी बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती, मेरी माँ तो अभी इस दुनिया में ही नहीं रही, शिन तो फिर भी एक इनोसेंट फैमिली से बिलोंग करती है, मगर शिन तुम्हारी तरह नहीं है जिसने हुआ फैमिली पर कब्जा करने के लिए मेरे फादर को सीड्यूस करके फंसा लिया और मिस्ट्रेस बन बैठी। ये सुनकर के तो उसकी स्टेप मदर का मुंह बंद हो जाता है और निजेन के फादर उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम यान है और निजेन के फादर यान को ही अपनी बहू मानते हैं। निजेन के फादर निजेन से कहते हैं कि यान ही इस घर की बहू बनेगी और यही तुम्हारे फियांसी है, तुम्हें इसी से शादी करनी पड़ेगी। निजेन कहता है कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ कि किसी भी रोड छाप लड़की से शादी कर लूँ, मेरी ज़िंदगी आपसे अलग है, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। इतना कह करके निजेन शिन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। बाहर निजेन शिन के साथ में अपनी कार में बैठा होता है, तभी शिन कहती है कि अब मैं अपने घर जाऊँ, तो निजेन कहता है कि मेरे बिना परमिशन के तुम कहीं भी नहीं जा सकती। शिन कहती कि आपकी शादी यान से होने वाली है, फिर आप मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। बरसात देख करके निजेन पागलों जैसी हरकत करने लगता है और वो शिन से कहता है कि प्लीज मुझे हग कर लो। ये देख करके शिन काफी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर इन्हें अचानक से क्या हो गया, और वो फौरन से निजेन को हग कर लेती है। निजेन कहता है कि क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब निजेन छोटा था तो उसे पता चला कि उसकी माँ ने छत से कूद करके आत्महत्या कर लिया था। उस दिन बरसात भी बहुत तेज हो रही थी और निजेन रोड पर बैठकर के काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और उसे चुप कराती हुई गुड़िया देती है और वो उसे कहती है कि चुप हो जाओ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल में निजेन शिन से बचपन से प्यार करता था और उसका दिया हुआ गुड़िया अभी तक संभाल करके रखा था, मगर शिन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और निजेन शिन से दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी उनकी कार को कोई टक्कर मार देता है और नेक्स्ट सीन में हम यान और लुमिंग को देखते हैं जिन्होंने शिन को बांध रखा था। लुमिंग और यान ने ही मिलकर के निजेन का कार एक्सीडेंट करवाया था। यान लुमिंग से कहती है कि शिन को होश आए इसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ। शिन जब होश में आती है तो वो यान से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बांध करके क्यों रखा है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यान कहती है कि तुमने मेरे फियांसी को सीड्यूस करके फंसा लिया है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। शिन कहती है क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो यान काफी गुस्से से उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुमको कोई दूसरा मर्द नहीं मिला जो तुम निजेन के बिस्तर पर कूद पड़ी और उसे सीड्यूस करके फंसा लिया, पर एक बात याद रखना कि निजेन सिर्फ मेरा है और मैं उसे शादी करने वाली हूँ। शिन कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जितनी जल्दी हो सके तुम निजेन से शादी कर लो, कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। यान तो अच्छी तरीके से जानती थी कि निजेन इसके पीछे पड़ा हुआ है और ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए यान उसे जबरदस्ती बर्थ कंट्रोल पिल खिला देती है और गुंडों के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। गुंडे शिन के साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर निजेन आ जाता है और गुंडों से फाइट करके शिन को बचा लेता है और उसे गोद में उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जब शिन को होश आता है तो निजेन उससे पूछता है कि क्या तुम में अब भी हिम्मत है यहाँ से भाग जाने की। शिन कहती है कि तुम्हें तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, तुमने खुद ही अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे फादर से मिलवाने के लिए। निजेन गुस्से से कहता है कि तुम्हारा फादर मर चुका है और ये बात सुन करके तो शिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम इंसान के रूप में एक जानवर हो। ये सुनकर के निजेन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। इतने में एक डॉक्टर उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे कहता है कि इसने बर्थ कंट्रोल पिल खाया है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसके साथ में ऐसा कुछ भी मत करिए। बर्थ कंट्रोल पिल का नाम सुनकर के निजेन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो शिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब खा करके मेरे बच्चे को मारने की, इसका मतलब तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती हो। तो शिन कहती है कि तुमने मेरे फादर को मार डाला और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूँ, तुम तो फादर कहलाने के लायक ही नहीं हो। ये सब सुन करके निजेन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मगर ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
इतना कहकर कि वो शिन को हक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। शिन उसे पीछे ढकेल देती है और पास में पड़े चाकू को अपने गले पर लगा लेती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे सामने अपना गला काट लूँगी। ये देख कर कि निजिन उसका चाकू पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और वो शिन से कहता है कि तुमने दोबारा से अपने आप को मारने की कोशिश की तो तुम अपने फादर को कभी भी नहीं देख पाओगी। और हाँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने का, जिसे मैं पूरा करूँगा, मगर तुमको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और कभी भी भागने की कोशिश नहीं करोगी। अपने फादर को जिंदा सुन करके शिन शांत हो जाती है और वो निजिन से प्रॉमिस करती है कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा वो बोल रहा है, वो कभी भी उसे छोड़ करके नहीं भागेगी। निजिन उसे हक कर लेता है और उसके कान में कहता है कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो अगली बार मैं झूठ नहीं बोलूंगा और तुम अपने फादर को कभी भी नहीं देख पाओगी। इतना कह करके वो उसके फादर से उसे मिलवा देता है। शिन अपने फादर को देख करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कुछ देर के बाद में निजिन शिन से कहता है कि रात को मेरे घर फैमिली डिनर पर तुम्हें मेरे साथ में चलना है, इसीलिए टाइम से आ जाना। रात में शिन निजिन के साथ डिनर पर जा रही होती है कि तभी निजिन के पास में एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो शिन से कहता है कि तुम अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शिन अंदर जाती है तो निजिन की स्टेप मदर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम्हें मालूम नहीं कि ये हमारे हुआ फैमिली का डिनर पार्टी है जहाँ कुत्ते बिल्लियों का आना मना है। इतनी पर उसके फादर भी फायर हो जाते हैं और उसे जलील करने लगते हैं। निजिन की स्टेप मदर उन्हें शांत करती है और शिन से कहती है कि जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। शिन बेचारी काफी ज्यादा शर्मिंदा होकर के चुपचाप खड़ी रहती है कि तब तक वहां पर निजिन आ जाता है और वो उसे चेयर पर बिठा करके अपनी स्टेप मदर से कहता है कि आज तुम हम लोगों के साथ में डिनर नहीं करोगी। ये सुन करके तो स्टेप मदर का मुंह ही लटक जाता है, जिसे देख करके निजिन के फादर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब बात बोलने की। और वो निजिन को थ्रेट करते हुए कहते हैं कि आज के बाद ये घटिया लड़की इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। निजिन की स्टेप मदर उसके फादर को कूल कराते हुए कहती कि जाने दीजिए, निजिन अभी बच्चा है, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ, वैसे भी जब ये छोटा था तब इसकी माँ मर गई जिसकी वजह से इसे अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई। इतना सुन करके उसके फादर शिन को निजिन की माँ से कंपेयर कर देते हैं और कहते कि इसकी माँ भी इसी की तरह पागल और गिरी हुई लड़की थी। अपनी माँ का नाम सुनकर के निजिन गुस्से से पागल हो जाता है और अपने फादर पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी जुबान पर लगाम दे वरना मैं आपको जान से मार दूंगा, आपने मुझे दादाजी के नाम पर यहाँ पर बुलाया था इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, वरना मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। यहाँ पर बाप और बेटे में काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसके स्टेप मदर उसके फादर को कूल कराती है और शिन निजिन का जैकेट पकड़ करके उसे चेयर पर बिठाती है। तभी वहाँ पर लुमिंग आ जाता है जिसे देख करके उसके मदर फादर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। निजिन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे दादाजी के नाम पर यहाँ पर क्यों बुलाया, आप लोगों को मुझसे क्या बात करनी थी। उसके फादर उससे कहते हैं कि मेरा बेटा लुमिंग भी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, इसीलिए तुम प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन दे करके लुमिंग को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दो। ये सुन करके निजिन हंसने लगता है और कहता है कि आप लोग इस गधे को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इससे बेहतर तो यही होगा कि कंपनी को डेट डिक्लेयर करके उस पर ताला लगा दिया जाए। ये सुन करके तो लुमिंग खड़ा हो जाता है और वो निजिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे गधा बोलने की। और वो अपने मॉम डैड के सामने शिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि इसने तुम्हें अपने साथ में जबरदस्ती रखा हुआ है और ये रोज तुम पर टॉर्चर करता है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें इससे छीन लूंगा और तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हें लौटा दूंगा। ये सुन करके तो निजिन शिन को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि इसकी इतनी औकात नहीं है जो ये तुम्हें मुझसे छीन पाए, जो कि आज भी अपने मॉम डैड की गोद में बैठ करके रोता रहता है। निजिन अपने मॉम डैड के सामने शिन को गोद में बिठा लेता है जिसकी वजह से शिन को काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है और वो वहाँ से उठ करके बाहर चली जाती है। वो अपने आप से कहती है कि मुझे अपने फादर को जिंदा रखने के लिए मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तभी निजिन की स्टेप मदर वहाँ पर आ जाती है और वो शिन को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार आपस में लड़ रहा है, तुम मेरे बेटे को सीड्यूस करके अपने तरफ कर ली हो ताकि वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके, तुम कितनी चालाक लूमड़ी हो ये सब मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और वो उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। इतना मार खाने के बाद में शिन कहती कि आप लुमिंग की मदर हैं इसीलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया है। ये सब सुन करके उसकी मदर उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम होती कौन हो जिससे मुझे फर्क पड़े। तब तक वहां पर निजिन आ जाता है और अपनी स्टेप मदर को रोकते हुए कहता है कि क्या आप पागल हो गई हैं, आखिर आप उसे क्यों मार रही हैं। उसकी स्टेप मदर नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और मुझे डांट रही थी। निजिन शिन का गाल देखता है जो कि थप्पड़ की वजह से लाल हो गया था और ये देख करके तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता
और वो गुस्से से अपने स्टेप मदर का हाथ पकड़ लेता है और शिन से कहता है कि इसको थप्पड़ मारो। तब तक वहाँ पर लूमिंग आ जाता है और शिन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को छू भी लिया तो ठीक नहीं होगा। ये सुनकर के तो निजिन ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और अपनी माँ पर हाथ उठता हुआ देख लूमिंग निजिन से भिड़ जाता है जहाँ उसके फादर बीच बचाव करते हैं। निजिन सबको धमकी देते हुए कहता है कि इन फ्यूचर अगर किसी ने भी शिन को हाथ भी लगा दिया या फिर उसकी तरफ आग भी उठा करके देख लिया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। शिन कहती है कि ऐसा मत कहिए क्योंकि ये आपकी फैमिली है। निजिन कहता है कि अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। इतना कह करके वो शिन को लेकर के नाइट क्लब चला जाता है, मगर निजिन के एक थप्पड़ से बात बहुत आगे बढ़ गई थी। उसकी स्टेप मदर बदले की आग में जलने लगी थी और वो मन में कहती कि निजिन तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। उधर निजिन शिन को जबरदस्ती अपने क्लोज लाने की कोशिश करता है तो शिन कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करोगे। ये सुनकर के निजिन शांत हो जाता है और शिन को अपने पास बैठने के लिए कहता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि उन लोगों ने आज ही का दिन क्यों चुना था मुझे जलील करने के लिए। वो उसे बहुत प्यार से हक करता है और उसे बताता है कि आज ही के दिन मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी है। शिन निजिन के असिस्टेंट को कहती है कि उसके रूम तक उसे पहुंचा दो और खुद नाइट क्लब में ड्रिंक पीने के लिए चली जाती है जहां बारटेंडर बॉय उसके ड्रिंक में कुछ मिला करके उसे पिला देता है। और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम निजिन के स्टेप मदर को देखते हैं जिसका अफेयर इस बारटेंडर बॉय के साथ में चल रहा था और वो यहाँ पर कह रही होती कि मेरे थप्पड़ का बदला तुम्हें लेना होगा शिन के साथ में नाइट एक्सपेंड करके, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। और इतना कह करके उसकी स्टेप मदर उसके साथ भी रोमांस करते हुए नाइट एक्सपेंड कर लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और ड्रिंक पीकर के शिन लड़खड़ाते हुए अपने रूम में जाने लगती है। तभी वो लड़का शिन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और उसे बेहोश करके उसे टच करते हुए ये कहने लगता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं बेकार ही उस व्हाइट आईब्रो वाली बुढ़ी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तब तक निजिन शिन को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और वो उस लड़की को मारते हुए शिन को बचा लेता है। वो लड़का वहीं पर गिर जाता है और लड़खड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। निजिन शिन को अपने रूम में लेकर के जाता है और नशा कम करने के लिए उसे दवा पिलाने की कोशिश करता है, मगर शिन दवा नहीं पीती और निजिन को पकड़ करके उसे सेड्यूस करने लगती है। पर निजिन भी कहाँ कम था, वो दवा फेंक करके उसके साथ में रोमांस करने लगता है। इस तरीके से ये दोनों नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं। अगली सुबह शिन की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को निजिन के काफ़ी क्लोज पाती है। वो उसके सीने पर सर रख करके सोई होती है, जिसे देख करके वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और ये सोचने लगती कि कल रात इसने मेरे साथ ज़रूर ज़बरदस्ती किया था, जबकि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मेरे बिना परमिशन के मुझे छुएगा भी नहीं। उधर बारटेंडर बॉय स्टेप से कहता है कि मुझे निजिन ने देख लिया है, अब वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। स्टेप कहती है कि अगर पकड़े जाना तो मेरा नाम मत उगल देना वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इससे पहले कि निजिन कुछ करे हमें ही कुछ करना होगा। इधर शिन सोचती है कि जब निजिन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है तो आखिर मैं अपना प्रॉमिस क्यों निभाऊंगी। निजिन सोया हुआ होता है जिसका फायदा उठा करके शिन वहां से भाग जाती है और रास्ते में निजिन के स्टेप मदर की गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। निजिन उठता है तो देखता है कि शिन गायब है तो वो फौरन से अपने सिक्योरिटी को कॉल लगा करके शिन के बारे में पूछता है। सिक्योरिटी बताता है कि कल रात के कांड के पीछे आपके स्टेप मदर का हाथ है, उन्होंने शिन को किडनैप करवाया था। और कल रात नाइट क्लब से एक और बात पता चली है कि आपके स्टेप मदर का अफेयर क्लब के बारटेंडर बॉय के साथ में है। ये सुनकर के तो निजिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो गुस्से से अपने स्टेप मदर के पास जाकर के उनसे शिन के बारे में पूछता है। उसकी स्टेप मदर साफ मुकर जाती है और कहती है कि मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है। निजिन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर शिन को कुछ हो भी गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी स्टेप मदर मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम भूल रहे हो कि मैं वो फैमिली की मालकिन हूँ और बाय द वे मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, इसीलिए मुझे माँ कहकर के बुलाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निजिन सोचता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसीलिए वो नाइट क्लब वाली फोटो उसे दिखा देता है और कहता है कि अगर ये फोटो मैंने अपने फादर को दिखा दिया तो वो तुम्हें धक्के मार करके इस घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। फोटो देख करके तो उसकी स्टेप मदर काफी ज्यादा डर जाती है और उसे शिन का पता बता देती है। निजिन बिना देर किए शिन के पास दौड़ पड़ता है, मगर रास्ते में उसकी स्टेप मदर उसका एक्सीडेंट करवा देती है। उधर लूमिंग भागते हुए शिन के पास पहुंचता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो उसे बचाने के लिए आया है। शिन पूछती है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। लूमिंग बताता है कि निजिन का कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मारा गया। ये सुनकर के तो शिन काफी ज्यादा सैड हो जाती है तो लूमिंग कहता है कि वो जानवर मर गया, उसके लिए तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि वो तुम्हारे ऊपर कितना टॉर्चर करता था और उसी की वजह से तुम्हारे फादर भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मगर अब शिन निजिन के प्यार और उसके केयर को फील करने लगती है। वो कहावत है ना कि जब कोई पास रहता है तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो दूर चला जाता है तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। खैर तभी लूमिंग के गुंडे लूमिंग से पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं
हैं जिन्हें देख कर के लुमिंग काफ़ी घबरा जाता है और उन्हें कोने में ले जाकर के उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। गुंडे बताते हैं कि हमने नीजन का काम तमाम कर दिया है और अब हमें पैसे चाहिए। इनकी सारी बातें शिन सुन लेती है, जिसके बाद लुमिंग शिन से कहता है कि तुमने सब कुछ सुनी लिया है तो चलो मुझे भी सिड्यूस करो जैसे कि तुम नीजन को करती आई हो। और लुमिंग शिन के साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर नीजन आ जाता है जिसे जिंदा देख करके लुमिंग हैरान हो जाता है। दरअसल में नीजन को लुमिंग की प्लानिंग का पहले से ही पता चल चुका था और नीजन जानबूझ करके एक्सीडेंट में मरने का नाटक कर रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लुमिंग शिन को बरगलाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम्हारे फादर इसी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। इतना कह करके लुमिंग शिन की तरफ एक चाकू फेंक देता है और वो उससे कहता है कि इसे मार डालो, इसने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए हैं। लुमिंग की बात सुनकर के नीजन खुद चाकू उठा करके शिन के हाथ में रख देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ तो तुम मुझे मार डालो। मगर शिन नीजन को हक कर लेती है, जिसके बाद नीजन शिन को गोद में उठा करके अपने साथ में लेकर के जाता है और घर ले जाकर के उसके चोट पर मेडिसिन लगाता है। शिन नीजन से माफी मांगती है और वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लुमिंग इतना गिरा हुआ घटिया इंसान है। लुमिंग का नाम सुनकर के नीजन काफी भड़क जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने फिर से अपनी जुबान से उस घटिया लुमिंग का नाम लिया। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हारी जुबान पर मेरे सिवा किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। शिन कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ में कभी भी जबरदस्ती नहीं करोगे। नीजन उसका गला छोड़ देता है और वो उससे कहता है कि यहाँ से भाग करके तुमने भी तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। एक बात याद रखना कि हर जगह मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। इतना कह करके नीजन वहाँ से चला जाता है तो गेट पर गार्ड उसे रोक करके यान का बर्थडे इन्विटेशन कार्ड देते हैं और उसे बताते हैं कि यान ने बहुत रिक्वेस्ट किया है आज रात उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। रात में नीजन शिन को लेकर के पार्टी में जाता है। नीजन को देख करके यान बहुत खुश हो जाती है, मगर शिन को देख करके वो पूरी तरीके से भड़क जाती है और वो नीजन से कहती है कि आखिर तुम इसे यहाँ पर लेकर के क्यों आए हो। नीजन कहता है कि ये मेरी सर्वेंट है, इसकी चिंता तुम मत करो। और वो शिन को लेकर के अंदर पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर यान की सहेलियाँ शिन के कपड़े और उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाती है कि तभी नीजन शिन से ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है और खुद यान के साथ में रोमांस करने लगता है ताकि वो शिन को जेलेसी फील करवा सके। शिन ड्रिंक सर्व करने के लिए बोतल उठाती है तो यान की एक फ्रेंड उससे बोतल छीन करके उसके कपड़े पर ड्रिंक फेंक देती है। शिन बेचारी कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है जहाँ वो लड़कियाँ भी पहुँच जाती हैं और वो उसे बुली करने लगती हैं और उसके कपड़े फाड़ती हुई उसे मारने पीटने लगती हैं कि तब तक वहाँ पर नीजन आ जाता है और शिन को अपने साथ कमरे में लेकर के जाकर के उसे दूसरे कपड़े पहनने के लिए देता है। अभी शिन कपड़े बदल ही रही होती है कि तब तक वहाँ पर यान पहुँच जाती है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए उसके मुँह पर कुछ पैसे फेंक देती है और वो उसे कहती है कि तुम इसी के लिए नीजन के पीछे पड़ी हो ना, ये सब उठाओ और नीजन के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। तब तक वहाँ नीजन आ जाता है। यान नीजन को देख करके कहने लगती है कि इसने मेरे पर्स से पैसे चुराए थे जिसे मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है। नीजन कहता है कि बकवास बंद करो, ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कह करके वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल करके यान के मुँह पर फेंक देता है और शिन को उठा करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। शिन सोचने लगती है कि नीजन तो यान से शादी करने ही नहीं चाहता है, फिर वो उसे किस क्यों कर रहा था। नीजन उसे खाना खाने के लिए कहता है मगर वो नाराज थी इसीलिए खाना नहीं खाती। नीजन उसे बताता है कि तुम्हारे फादर होश में आ गए हैं, इससे पहले तुम खाना खा लो फिर हम उनसे मिलने के लिए चलेंगे। इतना सुन करके तो शिन खुश हो जाती है और अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि इन्हें अभी अभी होश आया है इसीलिए इनसे ज़्यादा देर तक बात मत करिए, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शिन अपने फादर को होश में देख करके बहुत खुश रहती है और वो खुशी के मारे नीजन को हग कर लेती है और खुशी खुशी नीजन के साथ में घर भी चली जाती है। शिन की ये खुशी लुमिंग को देखी नहीं जाती है और वो नीजन के मेट के साथ में मिल करके शिन के फादर की हत्या करवा देता है। उधर शिन को पता चलता है कि उसके फादर मर गए तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने फादर का हत्यारा नीजन को समझ लेती है। वो गुस्से से एक चाकू उठाती है और कहती है कि अब मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। नीजन उसे कहता है कि ऐसा प्लीज मत करो और इसी बच बचाओ में नीजन को वो चाकू लग जाती है। लेकिन शिन के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी नीजन के लिए कि उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीजन को चाकू लग गई है। नीजन उससे कहता है कि भला मैं क्यों मारूंगा तुम्हारे फादर को, मैं तो उनका इलाज करवा रहा था। खैर नीजन के गार्ड्स उसे एडमिट करवाते हैं जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। नीजन अपने आदमियों से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। गार्ड बताता है कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिख रहा है, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। नीजन कहता है कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया। तभी नीजन के कुछ आदमी उसकी मेट को पकड़ करके लाते हैं और बताते हैं कि इस पे हम लोगों को शक है क्योंकि शिन के फादर जब मरे थे तो उनके
रूम से इसे निकलते हुए देखा गया था और ये नकली नर्स की आईडी बना करके यहाँ पर घूम रही थी। नीज़ेन कहता है कि लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर भी वो मेड कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसके बाद गार्ड्स उसे अच्छी तरीके से पीटने लगते हैं, जिसके बाद मेड अपना मुंह खोल देती है और वो बताती है कि लूमिंग के कहने पर ही मैंने ऐसा किया है। नीज़ेन मेड को लेकर के शिन के पास जाता है और शिन मेड को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस मेड ने उसकी एक बार हेल्प की थी नीज़ेन के घर से भागने में। शिन के सामने मेड जुर्म अपना कबूल कर लेती है और लूमिंग का नाम बता देती है। लूमिंग का नाम सुन करके तो शिन को यकीन ही नहीं हो रहा होता है और वो भागते हुए लूमिंग के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। लूमिंग कहता है कि क्योंकि तुम मुझे छोड़ करके मेरे भाई के साथ में सो रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। इतना कहकर के लूमिंग और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और शिन पर चाकू से हमला करने वाला होता है कि तब तक वहां पर नीज़ेन पहुंच जाता है और वो लूमिंग को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। लूमिंग की आवाज सुन करके उसकी माँ बाहर निकल आती है और नीज़ेन से उसे मारने की वजह पूछती है। शिन कहती है कि इसने मेरे फादर को जान से मार डाला। उसकी स्टेप मदर कहती है, क्या कोई सबूत है तुम लोग के पास में कि इसी ने तुम्हारे फादर को मारा है। नीज़ेन मेड को बुलाता है जो कि सबके सामने लूमिंग का पोल खोल देती है। इतना सब कुछ होने के बाद में शिन जब घर जाती है तो वो नीज़ेन से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, अपने फादर की वजह से मैं मजबूर थी, अब तो वो मर गए इसीलिए मुझे जाने दो। नीज़ेन कहता है कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके एक कैदी की तरह तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। नीज़ेन इसकी भागने वाली बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो वहां से ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। नीज़ेन के जाते ही शिन भी घर से जाने की जिद करने लगती है तो सिक्योरिटी भागते हुए नीज़ेन के पास जाता है और उसे बुला करके वहां पर लाता है। नीज़ेन शिन को ऐसा करने से रोकता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर की फ्यूनरल को अच्छे से अरेंजमेंट किया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। शिन रोने लगती है और कहती है कि अब वो मर चुके हैं, अब तो तुम उन्हें छोड़ दो। नीज़ेन उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर का ग्रेव अपनी फैमिली के ग्रेव के बगल में बनवाया है। नीज़ेन शिन को समझाने की कोशिश करता है कि हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, एक मैं ही हूं जो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता है, आखिर तुम ये बात कब समझोगी। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे छोड़ करके जाने की बात मत करो, तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन फिर भी शिन उसकी एक बात समझने को तैयार नहीं थी और वो उसे धक्का दे देती है। ये देख करके नीज़ेन पागल सा होने लगता है और वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है। शिन काफी ज्यादा रोने लगती है और वो नीज़ेन से कहती है कि आखिर तुम एक इंसान हो या फिर जानवर, मेरे फादर मुझे अभी अभी छोड़ करके गए हैं और तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो। नीज़ेन को ये रियलाइज होता है कि वो शिन को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन नीज़ेन शिन को उसके फादर की ग्रेव पर लेकर के जाता है, जहां शिन काफी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मुझे मेरे फादर के पास रहने दो, तुम लोग जाओ यहां से। नीज़ेन कहता है कि मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाना चाहता हूं और वो उसे अपनी मदर की ग्रेव पर लेकर के जाता है। पर ग्रेव देख करके नीज़ेन काफी भड़क जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि पता करो कि इसके साथ में छेड़छाड़ किसने किया है। यहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि नीज़ेन के फादर का दूसरे के साथ अफेयर होने के कारण उसकी माँ पागल हो गई थी और वो फ्रस्ट्रेशन में नीज़ेन का ही गला दबाया करती थी। बाद में वो उससे माफी भी मांगती थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां नीज़ेन को पता चलता है कि ग्रेव के साथ में छेड़छाड़ उसकी स्टेप मदर ने करवाया है। अपनी स्टेप मदर का नाम सुन करके तो नीज़ेन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो घर जाकर के अपनी स्टेप मदर का गला पकड़ लेता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ की ग्रेव को हाथ लगाने की, तुम एक कंक्यूबाइन हो और हमेशा तुम उसी तरीके से रहोगी। ये देख करके उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नीज़ेन को डांटते हुए उसे घर और कंपनी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। यहाँ पर नीज़ेन और उसके फादर के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस होती है और उसकी स्टेप मदर भी बीच में खूब मजे लेकर के नीज़ेन से लड़ने लगती है और यहीं पर वो गलती कर जाती है। अपनी स्टेप मदर की बातों से और उनकी हरकतों से नीज़ेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटोग्राफ्स अपने फादर को दिखा देता है। फोटो देख करके उसके फादर के होश उड़ जाते हैं। नीज़ेन शिन को लेकर के वहां से चला जाता है। अगले दिन नीज़ेन जब सोया होता है तब शिन अपने फादर के हथियारों के बारे में सोचती है कि आखिर उन्हें किसने मारा, क्योंकि वो अब भी लूमिंग पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थी। और अपने फादर के कातिलों का पता लगाने के लिए वो गार्ड से झूठ बोल करके बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे लूमिंग मिल जाता है और वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, उस दिन मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भला मैं तुम्हारे फादर को क्यों मारूंगा। इतना कह करके लूमिंग शिन को हक कर लेता है और इस सिचुएशन को नीज़ेन देख लेता है, जिसके बाद तो नीज़ेन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो लूमिंग को बहुत बुरी तरीके से मार पीट देता है। तभी वहां पर एक गार्ड आकर के नीज़ेन को बताता है कि ग्रैंडपा होश में आ गए, अभी
अभी हमें हॉस्पिटल चलना होगा। नीसेन हॉस्पिटल जाता है जहाँ ग्रैंडपा होश में आ गए होते मगर ज्यादा बातचीत करने की कंडीशन में नहीं होते। जहाँ ग्रैंडपा के लॉयर नीसेन को बताते हैं कि ग्रैंडपा ने अपनी पूरी कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनकर के तुलुमिंग भड़क जाता है और वो उनसे कहने लगता है कि आखिर मैं भी इस घर का बेटा हूँ, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा है। नीसेन के आदमी उसे उठा करके बाहर फेंक देते हैं। तुलुमिंग बौखलाए हुए अपनी मॉम के पास जाता है और उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं रोड पर आ गया हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे फादर मुझे देखना तक पसंद नहीं करते और ग्रैंडपा ने सारा शेयर नीसेन को दे दिया है। कुछ देर के बाद में स्टेप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और शिन को किडनैप करवा लेती है और उसे बांध करके नीसेन से कंपनी के 50% शेयर्स मांगती है। शिन कहती है कि मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ, वो मुझे यूज करता है और फेंक देता है, मेरे बदले वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। और होता भी बिल्कुल यही है, नीसेन शेयर देने के लिए साफ मना कर देता है और अपने आदमियों से कह करके शिन को ढूंढ निकालता है और गुंडों से फाइट करके शिन को बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी वहां पर बरसात होने लगती है और बिजली कड़कने लग जाता है। बरसात देख करके तो नीसेन पागल हो जाता है और खुद का ही गला दबाने लगता है। उसकी ये हालत देख करके शिन काफी घबरा जाती है, चूंकि शिन को पहले से ही मालूम था कि बरसात से नीसेन को प्रॉब्लम है, इसीलिए वो नीसेन को हक कर लेती है। हक करने से नीसेन रिलैक्स हो जाता है कि तभी शिन की नजर एक गुड़िया पर पड़ती है और वो सोचने लगती कि ऐसी गुड़िया बचपन में उसके पास भी हुआ करती थी। नीसेन उसे बताता है कि ये गुड़िया तूने ही मुझे दिया था, जिसे मैंने आज तक संभाल करके रखा था, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो मैंने आज तुम्हें वापस लौटा दिया। यहाँ पर दोनों बचपन के ख्यालों में खो जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। घायल होने के कारण शिन नीसेन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ डॉक्टर नीसेन का इलाज करने के बाद में उसे आराम करने की सलाह देते हैं। शिन नीसेन की बहुत केयर करती है और आज दोनों काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए करीब जाते हैं कि तभी नीसेन का गार्ड आकर के उसे बताता है कि आपकी स्टेप मदर का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें सवार सारे लोग मारे गए। वहीं लूमिंग भी भागते हुए आता है और नीसेन से लड़ने लगता है, तुमने मेरी माँ को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इतने में ग्रैंडपा के असिस्टेंट आ जाते हैं और लूमिंग को लेकर के ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं। लूमिंग ग्रैंडपा के सामने अच्छा बन जाता है और उन्हें शिन के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे ब्रदर तो बहुत अच्छे इंसान है मगर उनको एक चुड़ैल ने फंसा लिया है और वो हमारे परिवार को तोड़ करके हमारी कंपनी लूटना चाहती है। ग्रैंडपा फौरन से शिन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जादू तुमने किया है जो वो तुम्हारे चंगुल में फंस गया है। शिन कहती है कि मैंने कोई भी जादू नहीं किया है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए वफादार हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ना तो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जानते हैं, ना ही तुम्हारे घर का कुछ अता पता है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हुआ फैमिली की बहू बन जाओगी? मैं तुम्हें इस घर की बहू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ग्रैंडपा भी शिन को बहुत जलील करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम नीसेन की जिंदगी से बहुत दूर हो जाओ, मैं उसकी शादी की रेपुटेटेड लड़की यान से करवाने जा रहा हूँ। तभी वहां पर नीसेन आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि मैं यान से शादी नहीं करूंगा, और वो अपने घुटनों पर बैठ करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दादाजी ऐसा मत करिए। पर उसके ग्रैंडपा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते और ना ही नीसेन को समझने के लिए तैयार होता है और वो शिन को लेकर के वहां से जाने लगता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने अपने शेयर तुम्हें देने के लिए कहा है मगर अभी तक मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, अगर तुम इस कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हो तो तुम्हें यान से शादी करनी पड़ेगी वरना मैं अपने शेयर्स तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर के तो नीसेन के पैर रुक जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर ग्रैंडपा ने शेयर्स नहीं दिए तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सोच करके वो यान से शादी के लिए हाँ कर देता है और ये सुनकर के तो उसके ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कल ही एंगेजमेंट करवा दूंगा। नीसेन शिन को लेकर के वहां से चला जाता है मगर शिन का तो दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है और नीसेन से पूछती है कि अब तुम यान से शादी करने वाले हो। नीसेन उसे समझाता है और कहता है कि मेरी मजबूरी समझो, अगर मैं यान से शादी नहीं करूंगा तो दादाजी सारा शेयर्स लूमिंग को दे देंगे जिसके बाद लूमिंग कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा और हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा और हम सभी रोड पर आ जाएंगे। शिन कहती है कि फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या रहेगा? तो नीसेन उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ही रहोगी मेरी वुमेन बनके। मैं यान से शादी सिर्फ अपनी कंपनी और पैसों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि दादाजी को समझाना बहुत मुश्किल है। अगले दिन नीसेन शिन को लेकर के एंगेजमेंट पार्टी में जाता है जहाँ शिन को देख करके यान भड़क जाती है और वो नीसेन से कहती है कि आखिर तुम इसे यहाँ पर लेकर के क्यों आए हो? नीसेन कहता है कि ये मेरी वुमेन है, मैं जहाँ भी जाऊँगा ये मेरे साथ में जाएगी। खैर यान भी इस बात को अच्छी तरीके से समझती थी कि ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो नीसेन का हाथ पकड़ करके उसे अंदर डिनर टेबल पर लेकर के जाती है जहाँ वो शिन से टी सर्व करने के लिए कहती है। ये सुनकर के तो नीसेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शिन से ऐसा करने से मना करता है मगर शिन गुस्से से टी सर्व करने लगती है और यान जानबूझ करके उसके हाथ पर गर्म चाय गिरा देती है जिसकी वजह से शिन का हाथ जल जाता है और वो दवा लगाने के लिए बाहर जाती है जहाँ वो अपनी माँ से टकरा जाती है।
यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि यान की माँ ही शिन की ओरिजिनल माँ है। जब शिन छोटी थी तब उसकी माँ ने उसे और उसके फादर को छोड़ दिया था क्योंकि शिन के फादर बहुत गरीब थे। खैर, इससे पहले कि शिन कुछ बोल पाती तब तक उनके गार्ड्स उसको पीछे हटा करके उन्हें कमरे में जाने का रास्ता बता देते हैं। कुछ देर के बाद में शिन अंदर जाती है जहाँ वो अपनी माँ से पूछती कि क्या आपने सच में मुझे नहीं पहचाना। उसकी माँ कहती है कि नहीं, बस मैं अभी अभी तुमसे गैलरी में टकराई हूँ, इसके पहले तुम्हें मैंने कभी भी नहीं देखा। और उस टक्कर की वजह से वो शिन पर अपने नेकलेस चोरी का इल्जाम लगा देती हैं। उसकी माँ और यान मिलकर के शिन की काफ़ी इंसल्ट करते हैं और उसे अपने कपड़े उतार करके तलाशी देने के लिए कहते हैं। शिन अपनी इतनी इंसल्ट होने के बाद में अपने कपड़े उतार करके तलाशी देने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब देख करके नीसन को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे ऐसा करने से रोकता है, मगर शिन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ लूमिंग को गुंडे घेर लेते हैं और उसे 10 मिलियन मांगते हैं। तभी लूमिंग की नज़र शिन पर पड़ती है और वो गुंडों से कहता है कि इसको किडनैप कर लो, इसके बदले मेरा भाई तुम लोग को बहुत सारे पैसे देगा। गुंडे लूमिंग को छोड़ करके शिन को उठा ले जाते हैं। शिन पूछती है कि आखिर तुम लोग को क्या चाहिए। गुंडे कहते हैं कि तुम्हारे बदले मुझे नीजन से पैसे चाहिए। तो शिन कहती है कि नीजन खुद पैसों के लिए यान से शादी कर रहा है, वो मेरे बदले तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि अगर नीजन ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम जानती हो कि पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगले दिन नीजन बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी एक आदमी उसे बताता है कि आज एक खूबसूरत लड़की की नीलामी होने वाली है, तुम चाहो तो बोली लगा सकते हो। नीजन इस बात पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और वो ड्रिंक करने लगता है। कुछ देर के बाद में उस लड़की को लाया जाता है नीलामी के लिए और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिन ही होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था। नीलामी शुरू होती है और बोली लगना स्टार्ट हो जाता है, मगर नीजन पलट करके एक नज़र भी उसे नहीं देखता। तभी शिन की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज़ लगाती है। नीजन उसकी आवाज़ सुन करके चौंक जाता है और उन लोगों से ज़बरदस्त फाइट करके शिन को बचा लेता है। घर जाने के बाद में शिन काफ़ी इमोशनल होकर के नीजन को हक कर लेती है तो नीजन उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। शिन बताती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। नीजन उसकी माँ से उसे मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। शिन की माँ पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे मिलना चाहती थी। शिन अपने फादर की फोटो दिखाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप इन्हें पहचानती हैं। उसकी माँ काफी भड़क जाती है और कहती है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। शिन कहती है कि आज से 18 साल पहले तुमने मुझे और मेरे फादर को छोड़ दिया था, तब मैं बहुत छोटी थी, तुम्हें ऐसा करने में शर्म नहीं आया। उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारे फादर एक भिखारी टाइप की गंदगी में रहने वाले इंसान थे और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। बात इतनी बढ़ जाती है कि शिन की माँ उस पर अटैक कर देती है। तभी शिन के स्टेप फादर नांगोंग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि इनकी बातें छुप करके सुन रहे थे और अपनी वाइफ की असलियत सुन करके वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। उधर यान नीजन को अपना बनाने का नया तरीका अपनाती है और एक होटल में जाकर के नीजन को कॉल करके बताती है कि शिन मेरे साथ इस होटल में है, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। नीजन बिना देरी किए हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। यान उसे ड्रिंक पिला करके सीड्यूस करने लगती है और ज़्यादा ड्रिंक पीने के कारण नीजन को यान में शिन दिखने लगती है और वो उसके साथ में ना चाहते हुए भी रोमांस करने लगता है। लूमिंग इनकी वीडियो बना लेता है और शिन को वहाँ पर बुला करके इनका लाइव रोमांस दिखा देता है। ये देख करके तो शिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और नीजन शिन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और अपने नशे पर कंट्रोल करते हुए यान को धक्के देकर के कमरे से बाहर फेंक देता है और वो शिन के साथ ही रोमांस करने लगता है। अगले दिन शिन नीजन से पूछती है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, आखिर इस रिश्ते को लोग क्या कहेंगे। नीजन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो शिन कहती है कि तुम यान से एंगेजमेंट तोड़ करके मुझसे कर लो। नीजन कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ मगर ये बात नहीं मान सकता, वरना मैं रोड पर आ जाऊंगा। तुम मेरे ग्रैंडपा को नहीं जानती हो, उन्होंने जो कह दिया उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इतना सुन करके तो शिन उस पर भड़क जाती है जहाँ पर शिन को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नीजन उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि शिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो नीजन बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर से उसकी अच्छी केयर करने के लिए बोल करके वहाँ से चला जाता है। इस बात को यान सुन लेती है और शिन को मारने के लिए डॉक्टर को सीड्यूस करके फंसा लेती है। डॉक्टर यान के साथ मिल जाता है और शिन को मारने के लिए किसी बहाने से उसे छत पर ले जाता है और उसे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर तब तक वहाँ पर नीजन आ जाता है और उसे बचा करके डॉक्टर की अच्छे से पिटाई करता है। अगले सीन में लूमिंग नीजन को फ़ोन करता है और कहता है कि यान मेरे कब्जे में है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि अगर ये मर गई तो ग्रैंडपा तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे और उन्हें लगेगा कि तुमने शिन से शादी करने के चक्कर में इसे मार दिया। नीजन लूमिंग के बुलाए जगह पर पहुँच जाता है जहाँ इन दोनों के बीच में पुरानी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और इसी बहस के चक्कर में लूमिंग को शिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नीजन बीच में आ जाता है जिसकी वजह से चाकू उसे लग जाता है। इसी
इसी बच बचाव में लूमिंग को धक्का लग जाता है और निजिन भी वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। शिन निजिन को लेकर के हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि निजिन कोमा में जा चुका है। ये बात यान के फादर नांगोंग को पता चल जाती है कि निजिन कोमा में है, तो वो कंपनी पर धावा बोलने के लिए शेयर होल्डर्स को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी वहां पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जिन्हें इनकी असलियत का पता चल चुका था। दादाजी नांगोंग को डांट करके वहां से भगा देते हैं और शिन को निजिन का ख्याल रखने के लिए कह करके वहां से चले जाते हैं। शिन निजिन के पास बैठ करके उससे कहने लगती है कि प्लीज जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। तभी शिन का पैर टेबल में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है कि इतने में निजिन उठ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। डे वन से आज तक निजिन शिन को प्रोटेक्ट करता आ रहा था और आज भी वो उसके लिए कोमा से उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है जिसे देख करके उसके ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके बाद में उसके ग्रैंडपा उन दोनों की शादी धूमधाम से करा देते हैं और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।